हाँ दोस्तों, फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सुधा जो है 2-3 दिन से दूध नहीं ले रही है हमारे बिहार के अंदर। इस पे कुछ मैं बोलना चाहूँगा। हमारे जो बिहार के अधिकारी हैं, चाहे वो कॉम्फर्ट से रिलेटेड हो चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, यानी कि पशुपालन विभाग के मंत्री जी हों या फिर कॉम्फर्ट के मंत्री हों या फिर कॉम्फर्ट के MD साहब हों, उनके कुछ बोलना चाहूँगा या मेरे वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली यार, ये बहुत बड़ा परेशानी है। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसके खिलाफ़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक किसान बनकर सोचिएगा तो शायद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा दुख भरी कहानी है। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा फार्म जो है बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट में है और हम लोग लगभग 17-18 पशु पालते हैं, जिसमें से मिल्किंग वाली थोड़ा कम है और बछड़ी ज़्यादा। हम लोग ब्रीडिंग पे काम ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे बछड़ियों को ज़्यादा देख पा रहे हो आप। 6 बछड़ी इधर है और 2 बछड़ी उस साइड में बांधे हैं, जो लगभग साल 1 साल के अंदर होता है, जो बाहर रहती है, और जो 1 साल के ऊपर हो जाती है यानी हीफर्स हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग इस साइड रखते हैं। आज सभी गाय को हम लोग, वैसे तो हम लोग सभी गाय को खोल कर रखते हैं, सभी बछड़ी भी खुला रहता है, ओपन फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, लेकिन आज हम लोग एक्चुअली गाय एक बच्चा इसने बच्चा दी है लगभग 2 घंटे पहले, तो इसका जेर गिराने का वेट कर रहे हैं। इस वजह से इस बछड़ी को भी यहाँ पे रखा गया है और इसके पीछे जेर गिर रहा है। लगभग आधा जेर आ चुका है और कुछ ही देरों में जेर गिरा देगा। इसका हमने लाइव वीडियो भी बनाया है, जो जो भाई नहीं देखा होगा वो लगभग देख सकता है, नहीं तो इस पर हम लोग क्या क्या यूज़ किए एक अच्छा सा वीडियो हम लोग बनाएंगे। अब हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का ये है कि आज हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं बिहार डेयरी फार्म नाम से, उसमें लगभग 600-700 लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोगों का पर्सनली मैसेज आया कि भैया देखिए, 2-3 दिन से 2 दिन से किसी के यहाँ 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक और किसी के यहाँ 5 तारीख को सिर्फ दूध सुधा जो है कॉम्फेड जो है हर जगह का, चाहे वो मुजफ्फरपुर डेयरी हो या फिर बरौनी डेयरी हो या फिर हमारा मगध डेयरी हो, ये हर जगह 2-3 दिन बंद रखी है। इसका क्या वजह है, ये सबसे बड़ा समस्या है। अब आप सोचिए, आप एक किसान होकर सोचिए। एक तरफ गवर्नमेंट का जो पशुपालन मंत्री हो, गवर्नमेंट का जो मंत्री लोग हैं, वो लोग एक तरफ तो किसान को बढ़ावा देने के लिए, पहले तो इस बार पहली बार हुआ जो देसी गाय को बढ़ावा दिया उन्होंने, 15 गाय 20 गाय, एक एक जिला में एक एक दो दो आदमी और चार चार गाय वाला 10 10 आदमी और 4 2 गाय वाला 10 15 आदमी, मतलब एक जिले में लगभग 400 गाय दे रहे हैं, यानी कि लगभग 1500 से 2000 गाय गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, मतलब उसके सब्सिडी के अमाउंट पे बोलिए या फिर मतलब सहायता के रूप में। फिर आपको HF में भी उसी तरह से सेम टू सेम HF का भी आया, यानी कि एक जिले में 800 गाय, आप समझ सकते हैं कि 800 गाय मीन्स लगभग 2500 से 3000 गाय पूरे बिहार के अंदर मतलब किसानों को दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो काफ़ी अच्छा काम किए कि किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके भाई आप दूध मतलब गाय पालिए, दूध उत्पाद कीजिए ताकि हमारा डुप्लीकेट ही बंद हो, हमारे बिहार का दूध बढ़ोतरी हो, किसान आगे बढ़े और किसान का कुछ पैसा हो, है ना। तो एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनका जो कॉम्फर्ट है, जो गवर्नमेंट से टाई अप रहता है, जैसे हमारे बिहार गवर्नमेंट से कॉम्फेड जो है सुधा जो है टाई अप है, इनको हर चीज़ सुविधा मिलते रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, एक तरफ वो कॉम्फेड जो है दूध इतना ज़्यादा हो गया है उनके पास कि दूध ही नहीं ले रहा है। कुछ कुछ जगहों पे तो 3 3 3 दिन 4 दिन दूध लेना बंद कर दिया, मतलब एक कुछ भी मैं कुछ व्हाट्सअप पे शेयर करूँगा, जो मुझे डिस्ट्रिक्ट से मैसेज आया, मैं प्रभारी जी को कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक तरफ आप बढ़ावा दे रहे हैं कि किसान आगे की ओर आइए और किसान गाय पालिए और दूध उत्पाद कीजिए, और एक तरफ एक एक दिन बंद कर दे रहे हैं। अब बताइए, मेरे पास पर डे का लगभग 60 लीटर दूध है, 60 से 65 लीटर दूध मेरे पास है, और मेरे ज़िले के अंदर एक मेरा रेशियो है कि लगभग 5000 लीटर दूध किसान हमारे ज़िले में पैदा करते हैं दोनों टाइम का, मिनिमम बता रहा हूँ मेरे ज़िले के अनुसार, जो क्योंकि मेरा ज़िला सबसे छोटा है। कहने का मतलब ये कि सुधा जो डेयरी है हमारा कॉम्फर्ट है, ये बेचने पे यानी कि दूध बेचा कैसे जाए, मार्केटिंग पे क्यों नहीं फोकस कर रहा है। अमूल की बात करते हैं अगर हम बिहार के अंदर, तो अमूल जो है गुजरात से आपका प्रोडक्ट यहाँ लाके बेच दे रहा है, दूध वहाँ से लेके आ रहा है, दूसरे जगहों से ला रहा है, कहीं से भी लेकर आ रहा है, लेके आ रहा है बिहार के अंदर। झारखंड में ओसाम जो है, झारखंड का ओसाम जो है वो बिहार के अंदर मार्केटिंग कर रहा है, आपका सुधा क्यों नहीं कर रहा है, मार्केटिंग सिखाया जाए। मैं तो चाहूँगा कि भाई जो भी अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान को गाय नहीं दीजिए, और सबसे पहले आपके जो स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं उनको मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत है। मार्केटिंग कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हैं, आप
कैसे अपने चीज को अच्छा बनाकर आप मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपका बिहार का नंबर वन ब्रांड है, आपको सबसे ज्यादा बिकना चाहिए। तो हमारे किसान को गाय नहीं देकर के सबसे पहले तो मार्केटिंग करना चाहिए। जब हम गाय पालेंगे, जैसे हमारे पास 60-70 लीटर दूध है, आज हम अगर किसी होटल में लेकर जाते हैं तो होटल वाला तो क्लियर करता है कि भैया आपसे जब हम मांगते हैं तो आप नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेशर रहता है सुधा की तरफ से कि भाई आपको लोकल सेल नहीं करना है। 10-20% का अलाउ करती है सुधा का जो बीएमसी के प्रभारी होते हैं, या हर डिस्ट्रिक्ट में शायद ऐसा ही होता होगा, बरहमल मैं अपना बता रहा हूँ कि 10-20% यानी 100 लीटर दूध है तो 10-22 लीटर तक आप लोकल बेच सकते हैं, यानी कि मुझे ही देना है, सुधा में ही देना है। तो अब जब आपके पास ज़्यादा हो गया तो हम किसको दें? हमने तो ना कोई कस्टमर रखा है, ना हमारे पास कोई होटल हमने सेट करके रखा है, तो कहीं ना कहीं हम दो दिन में लगभग हमारा एक खिलाने का खर्च, एक दिन का लगभग इतने पशुओं को 2,000 से 2,500 रुपये खर्च आते हैं, तो दो दिन में 5,000 रुपये का लॉस अगर एक किसान को होगा, वो एक छोटा किसान जो कि डेयरी फार्मिंग ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत ही टफ है। जिसको ब्रीडिंग पे काम कर रहा है वो समझ सकता है, जब तक कि उसके पास ब्रीड नहीं आई है, हर महीने लगभग, मेरा ही फार्म की बात करें तो हर महीने लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का लॉस में हम लोग लगभग 6 महीने से अभी तक गुजार रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, इसका बछड़ी तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पाद कर सकें। जब तक ये 2-3 साल तक के घाटा फायदा नुकसान ये होता रहेगा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हम लोग सुधा से विश्वास बनाए रखे और सुधा को दूध दिए जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं इनका क्या मकसद है, क्या किस हिसाब से ये लोग मार्केटिंग करते हैं, क्या आज हमारे यहाँ मात्र एक दिन बंद रखा गया। मुझे मेरे ही ज़िले से सिर्फ शिकायत नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि भैया दो तीन दिन बंद है, तो ये सरासर गलत है। इस पर काम क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट, के बेचा कैसे जाए, इसको सुधार कैसा किया जाए? बिहार में सबसे नंबर वन ब्रांड सुधा ही रहे, आज अमूल का दूध कोई खाता है तो बोलता है बहुत बढ़िया है, सुधा का ही ये चीज़ बोलना चाहिए कि भाई सुधा का बहुत बढ़िया है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, लेकिन इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, आप किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने किसान को खुश रख सकते हैं। क्योंकि एक किसान अगर 1 लीटर से लेकर 10 लीटर 100 लीटर दूध दे रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, वो अमृत आपको दे रहा है, बहुत बड़ा मेहनत है, बहुत ही मेहनत लगता है दूध उत्पाद करने में, इतना आसान नहीं है। आज के इस युग में लोग चाहते हैं कि गोबर नहीं उठाऊंगा, गोबर नहीं, गाय नहीं पालूंगा, और ऐसा लोग कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ अच्छे लोग इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर डेयरी फार्मिंग में होगा, और सिर्फ बिहार के अंदर ही ये प्रॉब्लम, सिर्फ बिहार के अंदर ही है, हमारे बगल राज्य जैसे यूपी है वहाँ पर इस तरह का मैसेज नहीं मुझे मिला है। और मैंने पंजाब भी बात किया, जो कि सबसे बड़ा डेयरी फार्म ओमकार डेयरी फार्म है, आज उनसे हमारी बात हुई, उनके पास लगभग दिन का मुझे नहीं लगता है कि 5,000 से 10,000 लीटर दूध होगा उनके पास, तो वो एक फार्मर उतना दूध दे रहा है, कभी उनका दूध बंद नहीं हुआ। गुजरात में इतना बड़ा गुजरात फैक्ट्री है, आप गुजरात अगर कोई वीडियो देख रहा है, कोई घुमा हो तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको हर गांव में एक ना दो डेयरी फार्मर मिल जाएंगे जिनके पास 10 पशु हो, लेकिन वहाँ पर इतना दूध होने के बाद भी उनका दूध कभी ऐसा नहीं होता है कि आज दूध हम लोग नहीं लेंगे। पंजाब में इतने बड़े बड़े फार्म हैं, पंजाब का कोई भी कंपनी, नेस्ले हो या फिर कोई और अदरवाइज दूसरी कंपनी हो, कभी ये नहीं कहती कि भैया हम आज दूध नहीं लेंगे, उनका दूध लिया जा रहा है। लेकिन हमारे बिहार में जो कि दूध इतना कम होने के बाद भी बोला जाता है कि नहीं लेंगे, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए कि हमारा बिहार का दूध अगर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ोतरी दे रहे हैं, आप किसानों का हेल्प कर रहे हैं कि भाई गाय पालिए, और वो गाय पाल लेता है और दूध ही नहीं लिया जाएगा तो मतलब क्या है? एक दिन का लॉस का समझिए, जैसे कि मैं एक छोटा किसान हूँ तो 5,000 रुपये का लॉस है, और जिसके पास 400-500 लीटर दूध हो रहा होगा तो दूध का लॉस तो मैंने जोड़ाया ही नहीं, मैंने गिनती ही नहीं की, खिलाने का ही खर्च हमने जोड़ा है, तो उनका कितना लॉस होता होगा? तो इस पे गौर करना चाहिए, इस पे क्या विचार है, आप लोग मेरी बात से कौन कौन सहमत है ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अगर आप बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इसको सोचा जाए, समझा जाए, इस पे रोक लगाया जाए, ताकि हमारे किसान जो भी बड़े डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं उनकी मनोबल जो है उनका कम ना हो, उनको बढ़ाए, उनका मनोबल बढ़े। डेयरी फार्मिंग में अगर वो आ रहे हैं और इस तरह का मैसेज मिलता है कि भाई दो दिन दूध बंद है तो उनका मनोबल छोटा होगा, तो इस वीडियो को उतना फैलाएं ताकि इस पर सोच विचार किया जाए और दूध किसानों का लिया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।